Want this? They run when they hear that the tingles bang. Scoot-a-da-da-da-da-bang. Do my ones, I'll do a gang. Jump up claws or jump up bands. They run when they hear that the tingles bang. Assalamualaikum guys, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 100 लाइक्स का टारगेट रखा था, आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिए थे। सो फाइनली आज की हमारी वीडियो आ चुकी है। कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि पम्प उसका ट्यूटोरियल अपलोड कर दें, सो फाइनली आज उसका ट्यूटोरियल आ चुका है। तो जो लोग इस चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप ना करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपने अलाइन मोशन ओपन कर लेनी है, उसके बाद आपने जो क्लिप ऐड करनी है वो आपने इंपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने वीडियो के जिस पार्ट में पंप ऐड करना है वहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेनी है और उस लेयर को आपने अपनी वीडियो के स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जिस तरह मैंने लेयर को सेपरेट किया, आप भी सेम इसी तरह सेपरेट कर लेना है। इसके बाद हम इस लेयर में इफेक्ट्स ऐड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट इफेक्ट होगा वो कॉपी बैकग्राउंड होगा, आपने सिंपली उसको ऐड कर लेना है। इसके बाद जो आपने सेकेंड इफेक्ट ऐड करना है उसका नाम है पिंच बल्ज, ये आपने ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने शतरंज में सबसे पहले इसकी सेटिंग ज़ीरो कर लेनी है। इसके बाद आपने 3 मार्क्स ऐड कर लेने हैं, एक स्टार्टिंग में, एक लास्ट में और एक मिड में। जो मार्क हमारा मिड में होगा उसकी सेटिंग आपने रखनी है 0.45। ये करने के बाद आपने इसका ग्राफ एडजस्ट कर लेना है। जिस तरह मैंने ग्राफ को एडजस्ट किया आपने भी सेम वैसे ही एडजस्ट करना है। ये हमने लेयर की लेफ्ट साइड पर एडजस्ट किया, आपने इसको कॉपी करके राइट साइड पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने इस ग्राफ को इन्वर्ट कर लेना है। इन्वर्ट ऐसे करना है कि नीचे आपको डबल एरो शो हो रहा होगा, आपने सिंपली इसको टैप कर लेना है। ये सिर्फ इन्वर्ट आपने राइट साइड पर करना है। उसके बाद आपने नीचे रेडियस को 2.500 कर लेना है। ये करने के बाद आपने जो नेक्स्ट इफेक्ट ऐड करना है उसका नाम है टाइल्स। ये ऐड करने के बाद आपने सिंपली इसका मिरर ऑन कर लेना है। इसके बाद आपने ऑसिलेट इफेक्ट ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसकी सेम वही सेटिंग रखनी है जो मैंने रखी है। सबसे पहले आपने इसका एंगल ज़ीरो कर लेना है, उसके बाद आपने इसकी फ्रिक्वेंसी ज़ीरो कर लेनी है। ज़ीरो करने के बाद आपने 3 मार्क्स ऐड करने हैं, एक स्टार्टिंग में, एक लास्ट में और एक मिड में। जो मार्क मिड में है उसकी सेटिंग हम रखेंगे 3.95। इसके बाद नीचे मैग्नीट्यूड को 350 कर लेना है। ये करने के बाद हमारा पंप कुछ ऐसा शो होगा। उसके बाद इसमें ब्राइटनेस ऐड करने के लिए हम एक्सपोजर एंड गामा इफेक्ट यूज़ करेंगे। ये करने के बाद हम इसमें 3 मार्क्स ऐड करेंगे, एक स्टार्टिंग में, एक लास्ट में और एक मिड में। जो मार्क मिड में है उसकी सेटिंग हम रखेंगे 0.48। इसके बाद आपने जूम ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसकी शतरंज को सबसे पहले ज़ीरो कर लेना है और उसी तरह 3 मार्क्स ऐड करने, एक स्टार्टिंग में, एक एंड में और एक मिड में। और जो मार्क मिड में होगा उसको काट लेंगे 0.18। ये हमारा जूम ब्लर भी ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसे ग्राफ एडजस्ट करेंगे। जो हमने ग्राफ स्टार्टिंग में कॉपी किया था वो यहाँ पे हम सिंपली पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जो राइट साइड पे ग्राफ हमने पेस्ट किया उसको इन्वर्ट कर लेंगे। ग्राफ एडजस्ट करने के बाद आपने जो लास्ट इफेक्ट ऐड करना है उसका नाम है ऑसिलेट, ये हमने दोबारा ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सबसे पहले आपने इसका एंगल 90 डिग्री कर लेना है। इसके बाद आपने इसकी फ्रिक्वेंसी 4.00 कर लेनी है। इसके बाद आपने नीचे मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करना है। सबसे पहले आपने मैग्नीट्यूड को ज़ीरो कर लेना है, उसके बाद आपने 3 मार्क्स ऐड करने हैं। बड़ी यहाँ पे जैसे मैंने मार्क्स ऐड किए हैं आपने भी सेम वैसे ही करने हैं। एक मार्क आपने लास्ट में लगाना है, एक स्टार्टिंग में और एक जो स्टार्टिंग में लगाया है उससे 1 सेकेंड आगे लगाना है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और जो मार्क हमने फर्स्ट और लास्ट मार्क के मिड में लगाया है उसकी सेटिंग हम करेंगे 204। अब आप देख सकते हैं हमारा पंप रेडी हो चुका है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पर लाइक्स का टारगेट है 150। सो जल्दी से लाइक्स को कम्प्लीट करें ताकि नेक्स्ट कमिंग ट्यूटोरियल जल्दी आ सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।